बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ग्रोन स्टॉक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हादिस खान। गाइस, इस वीडियो से हमने देखना है कि जो कोई भी तस्वीर होती है उसका बैकग्राउंड डिलीट करना या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, हम जो सिलेक्शन होती है वो कैसे कर सकते हैं अपने किसी कस्टम टूल की मदद से। तो ये स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप हमारे पास ओपन है, एक तस्वीर हमने यहाँ सेव रखी है फोटोशॉप इमेजेस के अंदर। एक परिंदा है, तोता है, एक बर्ड की हमने तस्वीर रखी है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि कस्टम सिलेक्शन करनी है, यानी जो इसका बैकग्राउंड है वो हमने डिलीट करना है। और जो बैकग्राउंड डिलीट करने के बाद इसे हमने मीन्स कस्टमली इसे बाहर निकालना है, इस तस्वीर को कट करके। हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में कोई भी तस्वीर ओपन करने के दो तरीके कार होते हैं। अगर हम इस तस्वीर को, जो ये वाली तस्वीर थी, इसे हम ड्रैग करते हुए माउस से यहाँ स्क्रीन पर ले आएँ तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। एक तरीके कार ये होता है, नेक्स्ट ये होता है कि भाई हम क्या करें, जस्ट फाइल पर आने के बाद ओपन, ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे हम, ओपन पे करने के बाद वो बताएंगे कि हमारी जो तस्वीर है वो कहाँ पर है। हमने बोला फोटोशॉप इमेजेस, हमने बर्ड पे डबल क्लिक किया और तस्वीर हमारे पास आ गई है। यहाँ आते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, अभी जो पढ़ना है वो है लेसो टूल। लेसो टूल क्या है, जैसे हम इस पर राइट क्लिक करते हैं माउस से सीधे हाथ के क्लिक करने पर हमारे पास तीन बटन अपीयर होते हैं। पहला है लेसो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लेसो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लेसो टूल। पहला जो है वो है लेसो टूल, यानी ये भी हमारे पास सिलेक्शन का काम करते हैं, जैसे कि जो पुराने वीडियोस में हमने पढ़ा था जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल ने काम किया था, वैसे ये लेसो टूल्स काम करते हैं, लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, हमने लेसो टूल पर जस्ट यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो पहला वाला था ये क्या होता है बेसिकली कि हमने एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक माउस से दबाया और जितना इसको हम मतलब जब तक छोड़ेंगे नहीं क्लिक और जब तक सिलेक्शन लेते रहेंगे तो वो हमें सेलेक्ट कर देगा। जैसे हमने माउस का क्लिक छोड़ा वो हमें कंप्लीट सिलेक्शन बता देगा कि आपने कहाँ तक अपीयर किया था। हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा जूम टूल लिया एंड जस्ट थोड़ी सी इमेज को हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये वाला लेसो टूल लिया और कोशिश करते हैं कि हम इसकी मदद से सिलेक्शन कर लें। गाइस देखें कि मैंने जस्ट क्या किया, जो टूल था उसको लिया और लेफ्ट क्लिक माउस से दबा के रखा, और जब तक मैंने लेफ्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है वो हमारे पास सिलेक्शन आती जा रही है। सिलेक्शन लेते रहेंगे हम जहाँ तक सिलेक्शन हमें चाहिए, जब तक मैंने माउस का क्लिक नहीं छोड़ना वो सिलेक्शन हमारी कंटिन्यू रहेगी, और जैसे ही मैं उसे लास्ट पॉइंट तक लाऊंगा या माउस का क्लिक छोड़ दूंगा तो हमारे पास सिलेक्शन जो हो गई। खैर, ये जो है टूल इससे बेहतर सिलेक्शन नहीं हो पाती, बट कहीं जगह ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, वो हम देखेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बना रहे होंगे। दूसरा टूल होता है पॉलीगोनल लेसो टूल, वो हमने लिया और जो हमारे पास इमेज थी जहाँ हमने सिलेक्शन ली थी, सिलेक्ट पर आने के बाद डीसेलेक्ट करते हैं या कंट्रोल डी करते हैं। हमने यहाँ से डिसलेक्ट किया और जो दूसरा वाला लेसो टूल था हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल, इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि जस्ट हमने जो इसमें क्या होता है कि हमने जस्ट माउस से क्लिक करना है, जहाँ जहाँ आपने क्लिक करना है वो वहाँ वहाँ सेलेक्ट करता जाएगा कि वो एरिया हमने या क्राइटेरिया जो भी है वो सिलेक्शन लेनी है हमने। हमने क्या किया कि जहाँ तक हम क्लिक करते जा रहे हैं वो सिलेक्शन लेता जा रहा है। लाइक अगर हम ऐसे क्लिक करते जाएँ, देखें भाई हम क्लिक करते जा रहे हैं, इसको ज़्यादा सिलेक्शन नहीं लेनी हमने, जस्ट कम लेते हैं, बट याद रहे माउस से लेफ्ट क्लिक करते रहना है और ये सिलेक्शन आती जाएगी। हमने पहले उनको बताना है कि लाया ये हमने यहाँ तक लेना है और फाइनली डबल क्लिक किया। अगर कोई गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो हिस्ट्री होती है वहीं से आने के बाद चाहे तो हिस्ट्री पे आ जाए वापस, जो अनडू स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए, या फिर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर जेड के बटन दबाते हैं। हमने क्या किया, पॉलीगोनल लेसो टूल जो था उस पर अप्लाई किया था। अब कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो तस्वीर जो जितने हिस्सा मैंने लिया था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक तरीके का ये होता है कि भाई हम इस टूल को, जो पॉलीगोनल लेसो टूल है, अपने हिसाब से अपने जो माउस स्किल्स होती हैं उसको लेते हुए तस्वीर को सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल डी करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ऐसी तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो मैग्नेटिक लेसो टूल है। ये टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इसमें क्या होता है कि हमने अगर कहीं क्लिक किया तो हमें एक दफ़ा क्लिक करने की ज़रूरत है और उसके बाद जो भी कोई तस्वीर है हमें उसकी जस्ट आउटलाइन पर जो है फॉलो करवाना है, जो हमारा टूल है। इस पॉइंटर को हमने जस्ट कहाँ तक लेके जाना है, जो आउटलाइन है आउटलाइन के हिसाब से ये खुद ही सिलेक्ट करता जाएगा, हमें माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्पेस का बटन दबाते हैं हम। जैसे स्पेस का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो हम क्या करेंगे, माउस से हमारे पास तस्वीर को मूव कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एरिया है सिलेक्शन का, क्योंकि तस्वीर जो थी हमने वो जूम कर ली थी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आप किसी कस्टमली किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो तो तस्वीर को जूम कर लीजिएगा ताकि वो वाजह नज़र आए। हम क्या करते हैं, ऐसे अगर हम ऊपर आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे ऊपर वाली जो आउटलाइंस थी उनको सिलेक्ट करना है, तो देखिए आप कि वो सिलेक्शन आ गई। और इसको अगर ख़त्म करना हो तो हम कीबोर्ड से बैक स्पेस के बटन की मदद से ख़त्म कर सकते हैं, और अपना साथ साथ जो पॉइंटर है, जो टूल है, उसे भी हमने नीचे लाना है।
हम क्या करते हैं कि भाई ये सिलेक्शन जाने देते हैं जहाँ तक सिलेक्शन हो रही है। गाइस देखिए कि सिलेक्शन हमने यहाँ लाते हैं और ये वाला जो मैग्नेटिक लेसो टूल है हमारा, ये प्रॉब्लम कब करता है जब हमें कहीं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जानी हो। देखिए गाइस ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ थोड़ा सा। यहाँ आते हैं हम, यहाँ पे आने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने देखा और यहाँ से आने के बाद जो इनका हमारे जो तोते साहब इनका जो पेयर है इसको भी देखना है कि हम यहाँ से सिलेक्शन करते हुए आए और जस्ट ये क्लिक किया, नाखून भी हैं भाई, यहाँ से लिया हमने नेल्स को भी और सिलेक्शन हमने यहाँ से लेते आए और जस्ट जहाँ से हमने पॉइंटर से स्टार्ट किया था वहीं पर लाके हमने इसको एंड करना है। ये हम लाए, हम जस्ट लाने के बाद जो लास्ट हमारा पॉइंटर था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पॉइंट पर हमने क्लिक किया, हमारे पास वो कंप्लीट सिलेक्शन आ गई है। हम क्या करते हैं, जूम टूल लिया, फिट ऑन स्क्रीन करते हैं, फिट स्क्रीन, और वो जो हमारे पास है सिलेक्शन वो कस्टमली आ गई है। अब क्या होता है, जो लेसो टूल्स वगैरह होते हैं उसको हम लेने के बाद कंट्रोल का बटन अगर कीबोर्ड से प्रेस करें तो आप देखें कि ये जो है वो कटिंग हो चुकी है, आई मीन सिलेक्शन हो चुकी है। सिलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो उसे अब हम मूव कर सकते हैं, यानी हिला जुला सकते हैं और जो बैकग्राउंड वगैरह है उसे मिटा सकते हैं आसानी। क्या करते हैं, कंट्रोल अल्टर जेड करते हैं क्योंकि मैंने इसकी जगह को तब्दील किया था। वापस से अपनी जगह पर आते हैं, लेयर्स बार जो हमारे पास, लेयर्स पर क्लिक किया। अगर आपके पास लेयर बार नहीं है तो आप देखिएगा जो विंडो होती है, विंडो में आने के बाद यहाँ लेयर्स पे आपके पास चेक्ड होना चाहिए। अगर लेयर्स बार पे चेक है तो आपके पास लेयर्स यहाँ आ रही होंगी। लेयर्स बार में देखें कि जो लेयर होती है वो बैकग्राउंड पे लॉक है अभी। हमने क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद जो बैकग्राउंड था उसे लॉक से हटा के लेयर पर कन्वर्ट करना है। हमने जैसे ही ओके किया वो कन्वर्ट हो गया लेयर पर। अब क्या होता है कि जो अब मैं चाहता हूँ कि हम जो तस्वीर थी उसका बैकग्राउंड डिलीट कर दें। बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो तस्वीर हमने सिलेक्शन ली थी सिंपली हम कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे हम डिलीट का बटन दबाते हैं क्योंकि सिलेक्शन हमने पूरे एक पैरट की ली थी जो तोता था, तो सिलेक्शन जितनी थी उतने हिस्से को उन्होंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल अल्टर जेड करते हैं वापस पीछे आने के लिए और अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट में आते हैं और इनवर्स पर क्लिक करेंगे। इनवर्स से मुराद होता है कि सिलेक्शन जितनी हुई हुई हमारी अब उसके आउट ऑफ सिलेक्शन हो जाए, यानी अभी जो हमने सेलेक्ट किया था वो एक तोता था, जैसे ही हम सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करते हैं तो तोते के बिल्कुल आउट यानी बैकग्राउंड तक उन्होंने उसको सिलेक्शन दे दी, यानी जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था उसको छोड़कर। जैसे ही हमने डिलीट का बटन दबाया गाइस तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड था तस्वीर का वो बिल्कुल डिलीट हो गया है। तो ये एक आसान तरीका है किसी पर्टिकुलर या कोई छोटी मोटी चीज़ों को लेकर उसकी सिलेक्शन करके उसका बैकग्राउंड डिलीट करें। आप देख सकते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया। अब क्या करते हैं, या तो भाई कंट्रोल डी कर लें हम, या हम डी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसलेक्ट किया हमने, डिसलेक्ट करने के बाद जो मूव टूल है, मूव टूल लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पैरट को, बैकग्राउंड तो है ही नहीं, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड बिल्कुल, तो हम अपने से मूव कर सकते हैं। खाली हमारे पास ये एक पैरट के लेयर ही है जस्ट, और पीछे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हमारे लेक्चर चलेंगे उसी में हम देखेंगे कि लेयर्स में हम कैसे काम कर सकते हैं। बट अभी मैंने जो हमने पढ़ा वो क्या था, लेसो टूल था, और लेसो टूल्स के अंदर भी वही तमाम प्रॉपर्टीज़, वही खसूसियात हैं जो कि रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल की सिलेक्शन में होती हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, एक से ज़्यादा सिलेक्शन लेनी हो, सिलेक्शन हटानी हो, सिलेक्शन किसी हिस्से में लेनी हो, या फीदर वगैरह भी हमने अप्लाई करने हो। खैर तो ये होता है लेसो टूल, आई होप गाइस आपको समझ आया हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास वैन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है, क्विक सिलेक्शन टूल पर हमने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड है वो वापस हमारे पास आ जाए, तो मैं वापस हम पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम हिस्ट्री बार पर क्लिक करके आ जाए या कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर जेड प्रेस करके आ जाए। कंट्रोल डी करते हैं सिलेक्शन के लिए। ये वाला जो हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। क्या हुआ, यहाँ से इसका साइज़ छोटा था, साइज़ अगर बड़ा करना हो, जो ब्रश का साइज़ होता है वो हमने क्या किया है, जस्ट यहाँ पर आते हैं और जो इसका साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो साइज़ छोटा था तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, साइज़ हमने इतना रखा नॉर्मल है, बाकी तमाम चीज़ों को एडजस्ट रहने दीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसे सेलेक्ट। इससे क्या मतलब होता है कि क्विक सिलेक्शन होती है, मैंने टूल को जस्ट यहाँ फेरा, जो हिस्सा था हमारे पैरट का और जहाँ जहाँ मैं इसको लेते जा रहा हूँ वहाँ वहाँ उन्होंने सिलेक्शन लेनी है। बट याद रहे मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये सिलेक्शन लेते रहें। गाइज देखिए क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ ये वाली आउटलाइन इस वाले टूल को समझ नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा हिस्सा सिलेक्शन में ले लिया है। अब ये पूरा हिस्सा सिलेक्शन में लेने की वजह ये थी कि उन्हें जो आउटलाइन थी वो समझ नहीं आई। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमने क्या किया, जस्ट टूल की तरफ वापस आते हैं और टूल पर आने के बाद जो हमारे पास सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होता है बटन, जैसे कि हमने पढ़ा था कहीं से सिलेक्शन हटानी हो तो वो तमाम सिलेक्शन टूल्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। हमने ये टूल लिया और लेने के बाद यहाँ से इधर जहाँ से हमने हटाना हो वहाँ तक फेरा, वहाँ तक करा, तो आप देखें अब उनको पहचान हो गई कि हमारे पैरट की जो
आउटलाइंस थी वो कहाँ तक आ रही हैं, पूरा पैरेट सेलेक्ट हो गया। और अब क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने बोला था सेलेक्ट में आने के बाद इनवर्स, इनवर्स से वो जो बैकग्राउंड था वो हिस्सा सेलेक्ट हो और डिलीट के बटन से डिलीट। तो इससे भी हमने बहुत जल्दी वक्त की वक्त को बचाते हुए हमने जो पैरेट की कटिंग थी वो कर ली। कंट्रोल अल्टर जेड करते हैं वापसी आ जाते हैं, कंट्रोल डी करते हैं तो हमारे पास जो सेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। राइट क्लिक करते हैं इसी टूल पर, माउस से सीधे हाथ के क्लिक करने के पर हमारे पास दो बटन्स मजीद अपीयर होते हैं, एक होता है क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या काम करता है अगर हम इस पर क्लिक करें, मैजिक वैन टूल बिल्कुल जो सिंपल जगह होती हैं, जो सादगी वाली होती हैं, जो एक जैसी होती हैं, उनको सिलेक्ट करता है। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो आप देखें उन्होंने इतने से सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ क्लिक करते हैं। अच्छा, मैं एक से ज़्यादा क्लिक इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ जो एट्रीब्यूट पर लगा हुआ है वो है एड टू सिलेक्शन। ये प्रॉपर्टीज़ गाइस क्या होती हैं, अगर हम कंट्रोल डी करें और पहला वाला बटन अगर सेलेक्ट कर लें तो हम एक जगह सिलेक्शन कर सकते हैं एक वक्त में। जस्ट देखिए, मैं या तो यहाँ कर लूँ या फिर यहाँ कर लूँ, वहाँ से सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। या तो मैं पैरेट पे कर लूँ या एक आंख पे कर लूँ या इसके पंखों पे कर लूँ, इट डिपेंड्स कि हम एक जगह कर सकते हैं एक वक्त में। लेकिन एक से ज़्यादा करनी हो या उसमें मज़ीद सिलेक्शन बढ़ानी हो तो हम दूसरे वाले एट्रीब्यूट पर क्लिक करके हम एक से ज़्यादा सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी मैंने पंखों पर भी ले लिया, अब आँखों पर भी ले लिया और अब ये तमाम जगहों पर हम सिलेक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल डी करते हैं तो ए टू सिलेक्शन लेने देते हैं। अब क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस पैरेट के हम सिलेक्शन मैजिक टूल से ले सकें। देखें गाइस, इससे भी एक बेहतर आ गई क्योंकि अगर जहां ज़्यादातर एक कलर होता है तो वहां हमारा मैजिक वैन टूल खुद ब खुद सिलेक्शन करने में आसानी रखता है। अब मिसाल के तौर पे जो इसके पंख हैं हमारे तोते के, अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देखें पैरेट्स के जो पंख थे उसको सही वो सिलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसका कलर डिफरेंट स्टाइल्स में। अगर हम यहाँ क्लिक करें, देखें इसमें मज़ीद गहराइयों में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मैजिक वैन टूल है वो किस टाइप किन जगहों पर काम करता है। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहां हमारे पास कलर एक ही हो और कटिंग करने के लिए हमारे पास वहां गुलाई वाले भी इक्विपमेंट्स या इस्तेमाल करने पड़े हमें, यानी काफ़ी गुलाई भी हो वहां और सादा सफ़ा है, एक ही टाइप का कलर है, तो हम मैजिक टूल से उसको आसानी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे पास हमने अब तक जो पढ़े वो तमाम टूल्स सिलेक्शन के हवाले से थे। किसी भी जगह को सिलेक्शन देना हो, चाहे वो लेसो टूल हो, सॉरी यहाँ आते कंट्रोल डी कर हमने। लेसो टूल्स में क्या होता है, पहला वाला जो होता है जहाँ हम बगैर माउस के क्लिक छोड़े जहाँ तक सिलेक्शन कर सकते हैं वहाँ तक कर लें। पॉलीगोनल हम बिल्कुल एक स्टेप वाइज स्टेप क्लिक करते हुए, चाहे वो गोल में हो या चाहे स्ट्रेट में हो, वहाँ तक कर सकते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल के अंदर हम बिल्कुल कोई भी स्टफ़ या कोई भी चीज़ के हम आउटलाइन पे जो पॉइंटर है वो लेके चलते जाएंगे तो हमारे पास वो सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे नीचे आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर, हम क्या करते हैं कि क्विकली सिलेक्ट करता है, क्विक का मतलब ही होता है जल्दी जल्दी, और मैजिक वैन टूल है कि जहाँ मैजिक तक उनका चल जाता है तो वो वहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस कि आपको दोनों समझ आए हो, आप प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी इन दोनों टूल्स के हवाले से, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे जो माउस स्किल होती है फोटोशॉप के अंदर वो बेहतर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद टूल्स के साथ। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।